सो गाइज, अगर आप सभी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज है और साथ में एक नया अपडेट आया है 2024 का, तो पूरा अपडेट आप सब जरूर देख लीजिएगा। सबसे बड़ा अपडेट आया है फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन, आपको पूरा अपडेट दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ क्रेडिट स्कोर के बारे में, जो कि अगर आप क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए जाते हो तो आप थर्ड पार्टी बहुत सारा एप्लीकेशन अभी जो क्रेडिट स्कोर देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ से चेक करते हो तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ एक क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा और साथ में आपका क्रेडिट स्कोर कितना है वो भी आपको यहाँ पे जो है सिक्योर मतलब फ्री में मालूम पड़ जाएगा कितना आपका क्रेडिट स्कोर है, आप यहीं से चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है अभी बेस्ट एप्लीकेशन होने वाला है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादातर फोन पे एप्लीकेशन को यूज करते हैं, लेकिन फोन पे का ही हूबहू इसमें उतार दिया गया, मतलब पूरा बोलेंगे तो कॉपी किया गया है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी इंक्लूड किया गया। क्या कॉपी किया गया और क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया वो भी आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आप फोन पे एप्लीकेशन को यूज करोगे तो आपको पता चलता होगा कि यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया गया स्कैनर पे, यानी किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट कर सकते हो, किसी को मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद अपना जो बैंक बैलेंस आप यहाँ चेक कर सकते हो, सेल्फ मनी ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब एक से अधिक अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है आप यहीं से जो अपना बैलेंस ट्रांसफर कर सकोगे। यहाँ एक ऑप्शन आपको और दिखाई देता होगा, देखिए आप यहाँ पे यूपीआई क्रिएट कर सकते हो या तो अपना मोबाइल नंबर को बना सकते हो, जैसे यहाँ देखिए मैं अपना एक ईमेल आईडी के थ्रू बनाया हूँ, या अपने नाम के थ्रू भी आप यूपीआई बना सकते हो। अगर आपका नाम जो है अपना नाम को ही डालिए और @ डाल दीजिए, आपको यूपीआई बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा, जो कि माई क्यूआर कोड का ऑप्शन इंक्लूड किया गया, इस पर जो क्लिक करोगे तो आपका क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ जैसे देखिए मेरे पास आ चुका है, इस क्यूआर कोड को आप चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं या किसी को भी शेयर कर सकते हैं या तो आप अपने व्हाट्सएप पे भी रख सकते हैं, ये फैसिलिटी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया जिसमें रिचार्ज करने के लिए, हालांकि आपको पता होगा कभी एयरटेल जियो और आइडिया वोडा में जो है रिचार्ज आपको बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे रिचार्ज करने के बाद आपको 30 रुपया और यहाँ पर देखिए मोबाइल पोस्ट के ऊपर आपको 15 रुपया तक का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए, अगर आप क्रेडिट का बिल पेमेंट करते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बता दूं अभी 15 बैंक का इंक्लूड किया गया है, 15 बैंक ये जो कि आपको पता होगा कि BBPS में जो जो इससे पहले इंक्लूड नहीं किया गया था, हालांकि फिलहाल में जो है इंक्लूड हो चुका है, उस सब बैंक का आपके यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपके नाम से जितना भी क्रेडिट कार्ड चलता है सबका सब क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरे नाम से जितना क्रेडिट कार्ड है सबका सब यहाँ पर शो होता है, आपको सिर्फ वेरीफाई करना रहता है। अगर मान लीजिए आप वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर आपको आना है, लास्ट का आपको नंबर दिखाई देगा क्रेडिट कार्ड का, वो आपको इस पर क्लिक कर देना, वेरीफाई पर क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो होगा क्या आपके क्रेडिट कार्ड से 1 रुपया डेबिट होगा, बाद में वो रिफंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रिफंड भी आपका हो जाएगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपका बैलेंस रिफंड हो जाएगा। तो आपके पास जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसका पूरा नंबर डालोगे, उसका आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इसमें, ठीक है, एक दिक्कत है कि रजिस्ट्रेशन इसमें करना पड़ता है, बाद बाकी आप हर एक क्रेडिट कार्ड का जहाँ बिल पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट हिस्ट्री पर चेक करके कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट की हो आप सबका साथ यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और इंक्लूड किया गया है वॉलेट के लेके, वॉलेट मतलब आपको पता होगा कि पेटीएम वॉलेट जिस तरह से काम करता है इसमें भी सेम ऑप्शन है, आपको जितना भी कैशबैक मिलेगा वो कैशबैक बैलेंस यहाँ से दिखाई देगा, अगर कोई वाउचर मिला है तो वाउचर भी आपको यहीं से दिखाई देगा। इसके अलावा अपना सेविंग अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हो, अपना सेविंग अकाउंट का बैलेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हो, डायरेक्टली चेक पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास यानी जो भी बैंक आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, या अगर मान लीजिए आप एक्स्ट्रा और भी कोई बैंक ऐड करना चाहते हो तब डायरेक्टली ऐड पे क्लिक करोगे, आपके पास जो भी बैंक रहेगा आपको बैंक का यहाँ पर सर्च करना पड़ता है, ठीक है, या तो आप यहाँ पर सेलेक्ट भी करो तो आपको सेलेक्ट करने से भी बैंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप सर्च करना चाहते हो तो सर्च भी कर सकते हो, डायरेक्टली आपको जो भी बैंक रहेगा वो बैंक आपको सर्च करना है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया के हो तो यहाँ पर देखिए टिक लग गया, मतलब ये बैंक सक्सेसफुली एड हो गया, डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने बैंक ऑफ जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया है। अगर आपको भी पिन सेट करना है तो आपको सेट यूपीआई पिन पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसको आपको फर्स्ट नेम पिन बनाने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए आपका डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद एक्सपायरी कोड डालना पड़ेगा और फिर आपको अपना यूपीआई पिन आपको यहाँ से सेटअप करना पड़ेगा। ये तो हो गया बैंक और एड करने के लिए, तो अभी चलो हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, आपको और भी थोड़ा दिखा देता हूँ, उसमें और भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप यहाँ से अपना फास्टैग रिचार्ज करते हो उसके ऊपर कैशबैक मिलेगा, डीटीएच रिचार्ज करते हो उसके ऊपर कैशबैक मिलेगा, गिफ्ट कार्ड यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा व्यू मोर पर जब क्लिक करो तो यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको नया नया में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का आपको बता दिया हूँ, अभी यहाँ का ऑप्शन इंक्लूड किया गया है एजुकेशन फी का, एजुकेशन फी पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी स्टेज वाइज फिक्स कर दिया गया, जैसे जो भी स्टेज का जो भी स्टेज आप जैसे मान लीजिए जो भी स्टेट से आप रहते हो या जो भी आप राज्य से रहते हो उस राज्य का यहाँ पे जो है नाम दिया गया है, और राज्य में भी आपको सिटी वाइज कर दिया गया, जैसे अब मैं बिहार से रहता हूँ बिहार के हर एक सिटी वाइज यहाँ पर कर दिया गया, तो जो भी आप सिटी में रहते हो उस सिटी का आप यहाँ पे
सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद वो पेमेंट करना रहेगा तो कंट्रोल पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपको दिखाई देगा, जिसको भी रहेगा उसको आप सिलेक्ट करके अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा स्टूडेंट का वो डालकर पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा चलो और आगे भी अपडेट दिया गया है, वो अपडेट क्या दिया गया, बाद बाकी यहाँ पर लोन रिपेमेंट सभी आप यहीं से कर सकते हो। और गाइस इसमें बता दूं कि यहाँ पे एक्सिस बैंक का फास्टैग ऑफिशियल हो चुका है, जैसे आपको पता हुआ कि फ्री रिचार्ज जो है और एक्सिस बैंक दोनों पार्टनरशिप किया है, तो यहाँ पर आपको अलग से एक्सिस बैंक फास्टैग आपको देखने को मिलेगा, तो अगर फास्टैग लेना चाहते हो तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। लेकिन गाइस इसमें एक आपको बेड न्यूज भी दिया गया है 2024 का, आपको पता होगा कि इससे पहले इसमें एक रेंट पेमेंट का ऑप्शन था लेकिन उसको अभी फिलहाल रिमूव कर दिया गया है, मतलब अभी अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जो आप यहां से ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, ओनली फॉर रुपये क्रेडिट कार्ड कर पाओगे, रुपये क्रेडिट कार्ड आपको लिंक करना पड़ेगा और फिर आप किसी भी मर्चेंट को ऊपर आपको स्कैन पेमेंट करना पड़ेगा। बस बाकी यहाँ से जो ऑफिशियल एक ऑप्शन दिया जाता था जो कि रेंट पेमेंट के थ्रू हम लोग करते थे, उस फिलहाल रेंट पेमेंट का ऑप्शन को यहाँ से जो है रिमूव कर दिया गया, मतलब आप रेंट पेमेंट यहाँ से नहीं कर पाओगे। बाद बाकी जो जो ऑप्शन इंक्लूड किया गया उसको भी फिलहाल तो यूज कर सकते हो। अगर आपको कैशबैक ज्यादा रिचार्ज के ऊपर कमाना है तो आप यहाँ से रिचार्ज कीजिए, कैशबैक आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। बाद बाकी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भी फिलहाल तो नहीं ट्रांसफर कर पाओगे। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया गया है रुपये क्रेडिट कार्ड को लेकर, अगर आप यहाँ से रुपये क्रेडिट कार्ड को लिंक करना चाहते हो तो आप लिंक कर सकते हो। लिंक करने के आपको लिंक नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, इस पर जब क्लिक करोगे फिर मैं लिंक नो पे क्लिक करता हूँ, कुछ प्रोसेस नहीं होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देता होगा रुपये का ऊपर में लोगो। अभी आपके पास जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है रुपये का, उस बैंक को आप यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा, तो आपके पास जो भी बैंक का है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अभी आरबीएल बैंक का भी रुपये क्रेडिट कार्ड आ चुका है तो इसको भी आप लिंक कर सकते हो। एसबीआई का हो चुका है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन अलग से है और एसबीआई कार्ड के ऑप्शन अलग से दिया गया, मतलब दो ऑप्शन दिया गया है। बाद बाकी हमको यहाँ पर दिख रहा है कि हर एक बैंक का इंक्लूड कर दिया गया, तो अगर आपको इसमें से कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसको आप यहाँ पर लिंक कीजिए, पेमेंट कीजिए किसी भी मर्चेंट के ऊपर, उसके ऊपर आप कैशबैक अर्निंग कर सकते हो। लेकिन ऑफिशियल को चाहते हो कि भाई वीजा मास्टर या रुपये क्रेडिट कार्ड का बैलेंस मैं किसी को सेविंग में ट्रांसफर कर दूँ, वो वाला फिलहाल ऑप्शन यहाँ से बंद कर दिया गया है 2024 का अपडेट के अनुसार। सो उम्मीद करते हैं आपके वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।